स्वच्छता एक ऐसा शब्द जिसके बोलने मात्र से मन में स्वस्थ वातावरण की छवि रहती है। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही स्वच्छता पर बहुत बल दिया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के मंत्र को आत्मसात करते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता मिशन प्रारंभ कर महात्मा गांधी की संकल्पना को एक देशव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ करते हुए जन सामान्य से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता को संस्कार बनाने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी के इन प्रयासों को मूर्त रूप प्रदान करने का माध्यम बना है स्वच्छ भारत मिशन नगरीय, जिसका संचालन नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा स्वच्छता विस्तार के दृष्टिगत विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही है और इसमें जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा आचरण विभाग द्वारा 8,99,634 व्यक्तिगत तथा 69,380 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय निर्मित कर लक्ष्य से आगे बढ़कर सभी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की है। कुल 651 निकायों में से 495 नगरी निकाय ODF प्लस व 30 निकाय ODF प्लस प्लस हो चुके हैं एवं 37 नगरीय निकाय अतिशीघ्र ODF प्लस प्लस होने की दिशा में अग्रसर हैं। मेरी गरिमा प्रथम चरण में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 189 नगरीय निकायों में 1100 ब्लॉक के पब्लिक कम्युनिटी पिंक टॉयलेट का निर्माण भी किया जा चुका है। महिलाओं की सुविधाओं के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, 24x7 महिला केयर टेकर, शौचालय परिसर के अंदर बच्चों की देखभाल के लिए अलग एरिया, फीडिंग रूम, इंसिनरेटर एवं चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन शौचालयों की लोकेशन गूगल ऐप पर भी उपलब्ध है। मेरा स्वाभिमान स्वच्छता के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर को समर्पित टॉयलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं। मेरा कर्तव्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन हेतु समस्त नगरीय निकायों को आवश्यक उपकरण एवं गीले व सूखे कूड़े के पृथककरण हेतु ट्विन बिन डस्टबिन के क्रय हेतु वित्त पोषित किया गया है। गाजियाबाद, प्रयागराज व वाराणसी सहित 28 शहरों में 353 करोड़ रुपए की लागत से 4030 TPD क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने के फलस्वरूप कुल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता 8,510 TPD हो गई है। आगरा में PPP मॉडल पर 280 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई है। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज एवं गोरखपुर में बायो CNG प्लांट खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मेरा आत्मसम्मान सेप्टिक टैंक व सीवर की सफाई के लिए विभाग ने मैन होल से मशीन होल तक का सफर पूर्ण कर लिया है। प्रदेश सरकार ने सभी सफाई मित्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट का गठन किया है, जिसमें सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई प्रशिक्षित सफाई मित्रों द्वारा मशीनों के सहयोग से कराई जाती है। इसके लिए विशेष रूप से 1420 हेल्पलाइन नंबर का भी संचालन किया जा रहा है। सफाई मित्रों का जीवन स्तर बेहतर बनाने की दिशा में नेशनल स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मेरी शान स्वच्छता के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विभाग द्वारा आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीन द्वारा सफाई प्रारंभ कर साफ सफाई जैसी समस्याओं के समाधान का सार्थक प्रयास किया है। वर्तमान में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में लागू की गई है। प्रदेश के समस्त वार्डों में 100% डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन किया जाना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति भी लागू की गई है। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाए जाने की दिशा में प्रदेश की नगरीय निकाय द्वारा वर्ष 2018 से अब तक कुल 1,319 टन एकल उपयोग प्लास्टिक को जब्त कर 16.47 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। प्रयागराज और मथुरा में वेस्ट प्लास्टिक टू फ्यूल प्लांट की स्थापना भी की गई है। प्रथम चरण के अंतर्गत प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों से एकत्रित लगभग 89 लाख टन लीगेसी वेस्ट में से लगभग 53 लाख टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर दिया गया है। 22 नगरीय निकायों में लगभग 98,105 करोड़ धन राशि का प्रावधान कर 22 लाख टन क्षमता के लीगेसी वेस्ट रिमीडिएशन प्लांट क्रियाशील किए गए हैं। नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश प्रक्रियात्मक बदलाव की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए जीरो वेस्ट का संकल्प कर निरंतर कार्य कर रहा है। सभी आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट की तर्ज पर हो रहे हैं।
जिसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों एवं वस्तुओं का प्रयोग और अपशिष्ट निपटान सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित किया गया। मेरी प्रतिबद्धता। डेंगू जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा व कीटनाशकों के छिड़काव इत्यादि का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से आच्छादित प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एंटी स्मोक गन, वाटर स्प्रिंकलर आदि की व्यवस्था की गई है। नगर निगम मेरठ की ओर से कबाड़ से जुगाड़ अभियान के तहत नगर के कई स्थलों पर अनेक दर्शनीय, सुंदर और उपयोगी संरचनाओं को विकसित किया गया है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुक्त कंठ से मेरठ नगर निगम के प्रयासों की सराहना की। विगत वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए भागीरथी प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश ने उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में लगातार अपनी रैंकिंग शीर्ष 10 में बनाए रखने में सफलता पाई है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के 11 शहरों को GFC स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 2020 में 20 व वर्ष 2021 में 37 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। हमारी अपील है कि प्रदेश के नगर विकास विभाग के प्रयासों को फलीभूत करने के लिए आप साथ आएं। आइए स्वच्छता अपनाएं, अपने प्रदेश को स्वस्थ एवं विकसित बनाएं।